का मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डन में स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो हमारा किचन वेस्ट होता है। लाइक जैसे कि ओनियन के जो छिलके होते हैं और एग के जो छिलके होते हैं, हम किस प्रकार से उन्हें अपने पौधों के लिए यूटिलाइज फर्टिलाइज बना सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा इसी के ऊपर है कि मैं किचन वेस्ट से किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए अब हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। इस तरह से दोस्तों, मैं अपनी बनी हुई, घर पर ही बनी हुई जो सब्जियाँ होती हैं, जो किचन वेस्ट होता है, उसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। आप भी एक बाल्टी रख लीजिए छत पर, और उसमें जो भी आपकी घर की सब्जियां होती हैं, लाइक प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, अदरक के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, ये हमारे लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बनता है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर पोटेशियम और फास्फोरस होता है, जो हमारे पौधों को बहुत ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन भी चाहिए होता है इन्हें। इन सबकी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको करना चाहिए। आप भी अपने टेरेस पर एक बाल्टी ऐसा रख लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए, और जो भी आपका किचन वेस्ट होता है वो आप डेली इसमें डालिए, और उसे ढककर रखिएगा। इसे ढककर रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसे ढककर रखने के पर ही इसमें जो इसके न्यूट्रिशन है वो इसी के अंदर अवेलेबल रहेंगे, और वो आप 8 या 10 दिन के बाद इसमें स्मेल आएगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। 8 या 10 दिन के बाद आप इसको छानकर इसका फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को, प्लांट्स को देंगे, जिसमें फ्लावरिंग हो रही होगी। जब ये फ्लावरिंग होती है अच्छी तरीके से, आप देखिए जो फ्लावरिंग होगी, आप उसमें सभी न्यूट्रिशन इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसमें मैंने अंडों के छिलके भी इसमें अवेलेबल डाल रखे हैं, हर तरह का। अंडे के छिलकों से हमें पौधों को कैल्शियम मिलेगा, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर अपने डालिए। देखिए ये मेरे पास फ्लावरिंग का प्लांट है, इसमें कितने अच्छे फ्लावर लग रहे हैं आप देखिए। इसको भी मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी, और ये अच्छे तरीके से फ्लावरिंग करेगा। आप ही अपने घर पर ही बने हुए टेरेस गार्डन पर ज़रूर इस तरीके से एक किचन वेस्ट से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, और अपने पौधों को उचित टाइम पर हर 15 दिन के बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, जो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन देगा और अच्छे तरीके से उन्हें ग्रो होने में मदद करेगा, और उन्हें फ्लावरिंग भी देगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइक पसंद आती है, और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो, ये मेरे पास कुछ एग्स के छिलके हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने किचन से निकाल कर रख देती हूँ, इन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं इन्हें कंपोस्ट करती हूँ, या फिर मैं इन्हें लिक्विड रूप में अपने प्लांट्स को देती हूँ। इन्हें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर डायरेक्ट आपके प्लांट्स को पोटेशियम प्रोवाइड कराएगा, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है, जो हमारे पौधों को, प्लांट्स को चाहिए होती है। और इसको आप, अगर आप इसे इसमें लिक्विड, आपको इसमें लिक्विड डालना है, ये वाटर आपको डालना है। ये मेरा जो वाटर था, ये मेरा ओनियंस का निकला हुआ पानी है, इसमें पोटेशियम कैल्शियम दोनों मिक्स हो जाएंगे, और हमारे प्लांट्स को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। अगर आपके प्लांट्स में फ्रूट्स उग रहे हों, लाइक जैसे कि बटर गार्ड, कार्ड, लेडी फिंगर, उनमें आप ये लिक्विड डालेंगे, लिक्विड कंपोस्ट डालेंगे, तो वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे। इसे आप 3 दिन तक वाटर में डाले रखें, उसके बाद इसको आप छान कर अपने प्लांट्स को दे सकते हैं ईजीली। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे, जो साथ में बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।